नमस्कार, हिमाचल अभी अभी के स्टूडियो से मैं राधा ठाकुर और आप सुन रहे हैं ऑनलाइन रेडियो बुलेटिन। शुरुआत करेंगे आज के हेडलाइन से। बर्ड फ्लू अलर्ट के बीच सीएम जयराम ठाकुर शुक्रवार को पहुंचेंगे धर्मशाला। कुफरी में विकसित होगा भारत का पहला स्की पार्क, एमओयू साइन। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 36 नए मामले और 127 हुए स्वस्थ। काजा ब्लॉक में निर्विरोध चुनी गई 11 पंचायतें, 2 में होगा मतदान। शिमला में मांगों को लेकर डीसी ऑफिस के बाहर सीटू का प्रदर्शन। हिमाचल में 13 जनवरी तक मौसम साफ रहने का अनुमान, खिलेगी धूप। किन्नौर के पलिंगजे में फंसे दिल्ली के 3 पर्यटक, पुलिस ने किया रेस्क्यू। युवा संस्थाएं और नोडल क्लब पुरस्कार के लिए 10 फरवरी से पहले करें आवेदन। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। जिला कांगड़ा की पौंग झील में प्रवासी पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद सरकार अलर्ट पर है। सीएम जयराम ठाकुर स्थिति का जायजा लेने के लिए कल खुद धर्मशाला का रुख करेंगे। वे धर्मशाला में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और बर्ड फ्लू को लेकर रिव्यू किया जाएगा। वहीं अगर राज्य चुनाव आयोग मंजूरी देता है तो सीएम जयराम ठाकुर पौंग झील का भी दौरा कर सकते हैं। शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रवासी पक्षियों में वायरस पाया गया है, इसका पता शुरू में ही चल गया है। पौंग झील में पक्षियों के मरने का क्रम लगातार जारी है। वे कल धर्मशाला जा रहे हैं। धर्मशाला में स्थानीय प्रशासन के साथ बर्ड फ्लू की स्थिति और तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे। इसमें सारी चीजों पर रिव्यू किया जाएगा। स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक के बाद असली रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अगर स्थिति ज्यादा खराब पाई गई तो केंद्र को रिपोर्ट भेजी जाएगी। सीएम जयराम ठाकुर की उपस्थिति में प्रदेश सरकार और नागसंज डेवलपर के मध्य शिमला के निकट कुफरी में भारत का पहला स्की पार्क विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित कर लिया गया है। सीएम ने कहा कि परियोजना के प्रमोटरों को हिमाचल प्रदेश में भारत का पहला स्की पार्क विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा हर संभव सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश को भारत में पर्यटकों का सबसे पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिए प्रयासरत है और प्रदेश को पर्यटन मित्र बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुविधाएं प्रदान कर हर संभव प्रयास किए जाएंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस परियोजना से कुफरी क्षेत्र में 12 महीने पर्यटन और साहसिक खेलों को बढ़ावा मिलने के अलावा पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। शिमला और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां सृजित होंगी। इस परियोजना से लगभग 1000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 36 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 127 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। अब तक किसी की भी जान नहीं गई है। हिमाचल में कोरोना का कुल आंकड़ा 56,051 पहुंच गया है। अभी 1,190 एक्टिव केस हैं। अब तक 53,874 कोरोना पॉजिटिव स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 940 पहुंच चुका है। मंडी में 17, ऊना में 6, हमीरपुर में 4, चंबा में 3, बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सिरमौर और सोलन में एक एक मामला आज सामने आया है। हमीरपुर में 37, शिमला में 27, सोलन में 23, चंबा में 15, बिलासपुर में 10, ऊना में 9, सिरमौर में 5 व लाहौल स्पीति में 1 कोरोना पॉजिटिव आज स्वस्थ हुआ है। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 3,661 सैंपल जांच के लिए आए हैं। इनमें से 463 नेगेटिव रहे हैं। 3,180 की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। आज के सैंपल में से 18 पॉजिटिव केस हैं, बाकी पेंडिंग सैंपल्स हैं। हिमाचल के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के कार्यालय निर्वाचन अधिकारी पंचायत और खंड विकास स्पीति स्थित काजा में पंचायत चुनाव 2020-21 के तहत अब केवल खुरीक और काजा पंचायत में चुनाव होने हैं। खंड विकास स्पीति स्थित काजा की 13 पंचायतों में से 11 पंचायतें निर्विरोध चुन ली गई हैं। इसके साथ ही 12 बीडीसी सदस्य भी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। पंचायतों में मतदान 17 जनवरी को होगा और इसी दिन मतगणना होगी। इसके अलावा बीडीसी सदस्य के 3 पदों के लिए मतगणना 22 जनवरी को होगी। काजाखंड की 11 पंचायतों में बीडीसी सदस्य, प्रधान, उपप्रधान और वार्ड सदस्य निर्विरोध चुन लिए गए हैं। खंड विकास अधिकारी महेंद्र प्रताप ने निर्विरोध चुनी गई पंचायत के सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि स्पीति के लोगों ने मिसाल पेश की है, ऐसे में सर्वसम्मति से पंचायत प्रतिनिधियों को चुन लिया जाए। कोविड-19 में निर्विरोध पंचायतें चुनकर स्पीति क्षेत्र के लोगों ने काफी अच्छा संदेश दिया है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा,
हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। सिटू के आह्वान पर देश भर में मजदूरों ने आज प्रदर्शन किए। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में भी मजदूरों ने रैली, धरने और प्रदर्शन किए। राजधानी शिमला में डीसी ऑफिस के बाहर सिटू ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सिटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि श्रम कानूनों को खत्म कर बनाई गई मजदूर विरोधी चार श्रम संहिताओं के खिलाफ न्यूनतम वेतन 21,000 रूपए घोषित करने, आंगनबाड़ी, मिड डे मील व आशा वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी घोषित करने और हरियाणा सरकार की तर्ज पर वेतन देने की मांग की गई। इसके अलावा उन्होंने ठेका, पार्ट टाइम, कॉन्ट्रैक्ट रोजगार पर अंकुश लगाने, कोरोना काल में हुई करोड़ों मजदूरों की छंटनी, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली, भारी बेरोजगारी, हर आयकर मुक्त परिवार को 7500 रूपए की आर्थिक मदद, हर व्यक्ति को 10 किलो राशन की सुविधा दिलवाने के मुद्दे पर जमकर नारेबाजी की। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के आज के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार हिमाचल में अब लोहड़ी तक मौसम साफ बना रहेगा और धूप खिली रहेगी। आज से 13 जनवरी तक हिमाचल में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। साथ ही 8 से 13 जनवरी तक किसी प्रकार की चेतावनी भी जारी नहीं की गई है। ऐसे में अब लोहड़ी तक हिमाचल वासियों को खराब मौसम से राहत मिलने वाली है। बता दें कि 2 जनवरी से हिमाचल में मौसम ने करवट बदली थी। 6 जनवरी तक मौसम खराब रहा था। इस दौरान बारिश और बर्फबारी हुई है। पिछले 24 घंटे में शिमला में 0.8, सुंदरनगर में 0.1, भुंतर में 1.2, धर्मशाला में 11.8, ऊना में 3.0, पालमपुर में 5.6, मनाली में 9.0, कांगड़ा में 2.0, मंडी में 0.6, चंबा में 8.0, डलहौजी में 12.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। केलांग में 15.0 और कल्पा में 6.0 सेंटीमीटर बर्फ दर्ज की गई है। जनजातीय जिला किन्नौर के थाना सांगला और थाना टापरी के पुलिस जवानों ने पर्यटकों को सांगला के पलिंगचे से रेस्क्यू कर टापरी तक सुरक्षित पहुंचाया है। किन्नौर पुलिस कंट्रोल रूम में बुधवार रात करीब 1 बजे सूचना मिली थी कि दिल्ली से सांगला घूमने आए 3 पर्यटक भारी बर्फबारी के कारण सांगला के पलिंगचे नामक स्थान पर फंस गए हैं, जिसमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने उप पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के अनुसार राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। किन्नौर पुलिस के दोनों थानों की रेस्क्यू टीम टापरी से राहत एवं बचाव कार्य के लिए तुरंत पलिंगचे रवाना हुई, जहां पर पर्यटकों की गाड़ी पलिंगचे में बर्फ में फंसी थी, जिसमें फंसे दिल्ली के 3 पर्यटकों को देर रात 3 बजे रेस्क्यू कर सुरक्षित टापरी पहुंचाया गया है और सभी पर्यटकों को उनके गंतव्य तक भेजा गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य युवा बोर्ड द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए राज्य स्तर पर राष्ट्र निर्माण, विशेषकर युवा विकास और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली स्वैच्छिक युवा संस्थाओं और नोडल क्लबों को नगद पुरस्कार से सम्मानित किए जाने का प्रस्ताव है। जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी कांगड़ा ने बताया कि ये पुरस्कार 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक सामाजिक सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभिन्न स्वयंसेवी युवा संस्थाओं और नोडल क्लबों को दिए जाएंगे। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली संस्थाओं या नोडल क्लबों को 65,000, 50,000 और 35,000 रूपए के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संस्थाओं और नोडल क्लबों द्वारा 1 वर्ष के भीतर जो भी गतिविधियां करवाई गई है, उनकी रिपोर्ट फाइल 10 फरवरी 2021 से पहले कार्यालय में जमा करवाना सुनिश्चित करें। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हिमाचल अभी अभी के साथ। नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा, हिमाचल।